सर्दियों के लिए आज मैं बनाऊंगी एक ऐसी हेल्दी ड्रिंक जो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगी। इसमें मैं चीनी, गुड़ या शहद का इस्तेमाल नहीं कर रही, बट फिर भी ये ड्रिंक मीठी और टेस्टी है। तो यहाँ सबसे पहले हम लेंगे ड्राइड खजूर। ये आपको बहुत आसानी से किसी भी किराने की शॉप में मिल जाएंगे। तो इसके हम बीज निकाल के रेडी करेंगे। तो यहाँ जो ऊपर का इसका टॉप है, इसको पहले आप एक नाइफ की हेल्प से काटें, और क्योंकि ये बहुत हार्ड होते हैं, हमें इसको थोड़ा कूट लेंगे हम इसको, और उसके बाद हम इसके बीज निकालेंगे। मैं इसमें कर रही हूँ, आप चाहें तो किचन के कपड़े में रख कर भी ऊपर से कूट के इसको निकाल सकते हैं। तो आप देखें, अब आप ये बीज निकालें, ये अब काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। इसी तरह से आप सारे खजूर के बीज निकाल के उनको रेडी करें। तो ये अब बिल्कुल तैयार हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आप इसको थोड़ा तोड़ेंगे भी तो ये थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, तो ग्राइंड करने में इसमें बहुत आसानी होगी। तो इस रेसिपी का पहला इंग्रेडिएंट हमारा तैयार है। अब यहाँ मैं रोस्ट करूँगी मखानास को। मखानास को हम ड्राई रोस्ट करेंगे, आप कभी भी इसे घी में नहीं करें, वरना ये बहुत सारा घी पी लेते हैं। तो आप 4 से 5 मिनट तक इसे मीडियम हीट पर ड्राई रोस्ट करें, जब तक ये क्रिस्पी हो जाए। तो आप देखिए, ये अब बिल्कुल हो गए हैं। इसको चेक करने के लिए आप एक मखाना को अपने हाथ में लें और इसको इस तरह से क्रश करें, तो इसका चूरा बन जाएगा। तो अब हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट भी रेडी है। अब यहाँ एक पैन में मैं डालूंगी 2 चम्मच देसी घी। तो इस रेसिपी में हम सिर्फ 2 चम्मच घी का इस्तेमाल करेंगे, और घी गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे गोंद। गोंद को आप हमेशा थोड़ा थोड़ा करके डालें, आप एक साथ नहीं डालें, वरना ये आपकी कच्ची रह जाएगी। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, गोंद को कुक करते वक्त आप इसको बहुत लो हीट में नहीं करें या बहुत हाई हीट पे नहीं करें, वरना ये अंदर से कच्ची रह जाएगी और आपके दांतों में चिपकेगी। तो ये बहुत जल्दी फूल के बड़ी हो जाती है। और अगर आपको कहीं लगे कि इसके कुछ मोटे पीसेस हैं, तो आप गोंद को थोड़ा कूट के छोटा कर लें। तो ये देखें, ये अब बिल्कुल रेडी है। इसको अब हम निकाल लेंगे, और उसी तरह से बची हुई गोंद को भी हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। तो कुछ ही सेकंड्स में ये फूल के बिल्कुल बड़ी हो जाती है। ये बहुत ही फायदेमंद है सर्दियों में, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगी और गर्म रखेगी। तो इसको भी अब आप एक प्लेट में ट्रांसफर करें। तो गोंद भी हमारी अब रेडी है। अब उसी पैन में हम डालेंगे काजू। काजू को हमें रोस्ट करना है 2 से 3 मिनट तक, ताकि उसमें हल्का गोल्डन कलर आए। आप इस रेसिपी के लिए अपनी पसंद की कोई भी नट्स ले सकते हैं जो आपको पसंद है। तो आप देखें, ये भी अब बिल्कुल रेडी है। इसको भी अब आप निकाल लें। अब काजू भी हमारे बनके तैयार हैं। यहाँ अब हम लेंगे बादाम, और बादाम को भी हमें 2 से 3 मिनट तक घी में रोस्ट करना है। बादाम का कलर तो नहीं चेंज होता, बल्कि ये फूल के थोड़े मोटे हो जाते हैं, तो वो साइन है कि बादाम आपके रेडी हैं। तो अब अगर आप देखें, इसको बादाम आपके हल्के फूल चुके हैं, तो इसको भी अब हम निकाल के ट्रांसफ़र करेंगे। ये भी अब हमारे तैयार हैं। उसी में अब हम डालेंगे पिस्ता। पिस्ता को भी हमें 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भूनना है। आप चाहें तो इसमें अखरोट या फिर अपने पसंद के कोई भी पम्पकिन सीड्स भी डाल सकते हैं। तो इसको भी मैंने 2 मिनट तक भून लिया है। इसको भी अब आप एक जगह निकाल के रेडी रखें। तो आप देखें, हमारे सारे अब जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऑलमोस्ट तैयार हैं। तो यहाँ अब मैं आपको एक टिप दूंगी खजूर को पीसने के लिए। सबसे पहले आप मिक्सर ग्राइंडर में डालें थोड़ा सा मखाना, और उसके अंदर हम डालेंगे थोड़े खजूर। आप दोनों चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके डालें। अगर आप सिर्फ खजूर को एक साथ पीसेंगे तो वो आपके पीसेंगे नहीं, क्योंकि वो बहुत ही हार्ड होते हैं, बट अगर आप मखानों के साथ उसको पीसेंगे तो वो बहुत जल्दी ग्राइंड हो जाएंगे। तो यहाँ आप देखिए, इसका पाउडर बन चुका है। इसमें अब मैं डालूंगी बाकी के हमारे मखानास और खजूर। तो आप थोड़े से मखानास और डालें। तो मैं इसको 3 बैचेस में अच्छे से ग्राइंड करूंगी। तो लीजिए, हमारा सेकंड बैच भी हो गया है। अब फाइनली हम सारे मखानास और खजूर को डाल के एक फाइनल मिक्स देंगे। तो यहां अब मैं आपको अगर टेक्सचर दिखाऊं, आप देखें,
ये सॉफ्ट है, बिल्कुल फाइन नहीं है, थोड़ा सा दरदरा है, बट ऐसा ही हमें चाहिए। अब दूसरे जार में हम डालेंगे बादाम, उसी के साथ हमारे काजू, पिस्ता, गोंद, और इन सबको हम ग्राइंड करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। आप इसको ओवर ग्राइंड नहीं करें, क्योंकि जो नट्स हैं हमारे, बादाम है, काजू है, वो अपना ऑयल रिलीज कर देंगे। तो आप देखें, यहाँ हमने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अगर मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाऊं, ये भी अब सॉफ्ट हो गया है। ये क्योंकि हमने इसमें गोंद डाली थी, इसलिए ये थोड़ा स्टिकी है, बट इसको जब मैं बाकी के मिक्सचर के साथ मिलाऊंगी, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो यहाँ हम ट्रांसफर करेंगे हमारे खजूर और मखाने का मिक्सचर। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं, मुझे लिखकर जरूर बताएं। उसी के साथ हम इसमें डालेंगे हमारे सारे नट्स का मिक्सचर। इसको अब आप अच्छे से मिक्स करें। आप चाहें तो इसमें अपने हाथ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसमें अगर आपको कहीं पे लम्स दिख रहे हैं, वो इजीली आपके हाथ से ब्रेक हो जाएंगे। तो यहाँ देखें, ये जो हमारा विंटर का, सर्दियों का जो बहुत ही मज़ेदार, शुगर फ्री, बिल्कुल भी बिना चीनी या गुड़ के जो मिक्सचर है, ये तैयार है। इसका दूध बनाना अब मैं आपको सिखाऊंगी। तो एक पैन में आप ले 2 कप दूध, और दूध को हम अच्छे से बॉईल करेंगे। तो ये बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है, आप इसको बिल्कुल गिल्ट फ्री इंजॉय कर सकते हैं सर्दियों में, सुबह या शाम। अब जब दूध हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, तो हम इसमें डालेंगे हमारे इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ क्योंकि मैं 2 ग्लास बना रही हूँ, मैं इसमें 2 चम्मच हमारा जो मिक्सचर हमने तैयार किया है वो डालेंगे। उसी के साथ मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि ये अगेन बहुत हेल्दी है। उसी के साथ थोड़ा सा इलायची पाउडर फॉर फ्लेवरिंग। इसको अब आप अच्छे से मिक्स करें। तो अगर आप चाहें तो ऐसे भी पी सकते हैं, बट मैं ऊपर से थोड़ी चीज़ें और डालना पसंद करती हूँ, उससे जो टेस्ट है इसका बहुत ही बढ़ जाता है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए बादाम, उसी के साथ पिस्ता और थोड़ी सी किशमिश। इन सबको अभी हमें अच्छे से बॉईल करना है। उससे पहले आप डालें थोड़ा सा नटमेग, और इसको आप थोड़ा सा घिस के डालें जायफल को। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इस टाइम पे, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस मिल्क में से, ये बहुत ही हेल्दी है। अगर आपको ये मेरी मिल्क रेसिपी पसंद आई होगी, तो आपको सुटका जो कि बेसन दूध है, वो भी बहुत पसंद आएगा। बिल्कुल बेसन हलवे जैसा टेस्ट करता है। उसका लिंक भी मैं यहाँ दूंगी, आप उसको भी ज़रूर चेक करें। तो आप देखें, ये अब बिल्कुल हमारा रेडी है। इसको अब आप ग्लास में सर्व करें गरम गरम, और इन्जॉय करें इन विंटर्स में। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि आगे भी मैं बहुत सारी डिलिशियस रेसिपीज़ आपके लिए लगातार लाती रहूँगी।